सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैर से होंगे। तो दोस्तों पता है कि मैं इस वक्त चाइना में हूं और चाइना में मुख्तलिफ वाले वीडियो बना रहा हूं, जिसमें स्टूडेंट लाइफ, स्कॉलरशिप और भी काफी चीजें चाइना में जो है वो उनके हवाले से मैं वीडियो बनाता हूँ। और काफी मैंने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हुए हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट का भी एक इंटरव्यू किया हुआ है मैंने। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की जो लाइफ है उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है, उसका भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया हुआ है। तो आज मैं एक दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मतलब बचपन का दोस्त है मेरा, आप ऐसा समझे कि कॉलेज से लेके साथ ही हैं। वो चाइना से उसने डिग्री की है अपनी, बैचलर्स की, उसके बाद वो दुबई चला गया और दुबई में भी वो जॉब कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा उसकी चाइना की लाइफ के हवाले से, फिर जब वो दुबई गया है दुबई में उसको कैसे जॉब मिली, क्या सैलरी पैकेज वहाँ पे मिलता है, और हम चाइना और दुबई में डिफरेंस देखेंगे कि चाइना में लाइफ अच्छी है या दुबई में लाइफ अच्छी है। मतलब कि चीजें जो हैं या महंगाई जो है वो दुबई में ज्यादा है या चाइना में ज्यादा है, और महंगाई की शरह भी जो है वो कितनी है दुबई में। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं ये वेब कैम के जरिए बना रहे हैं, जो लैपटॉप की जो वेब कैम होती है उसके जरिए बना रहे हैं। शायद वो रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं हो, तो आपको गुजारा करना है, ठीक है? तो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साईं पैरालिशा आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया आपका, ठीक है? मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप अपना छोटा सा तारीफ करा देते हैं। आपका नाम, आपने कहाँ से अपनी डिग्री की है और अभी आप कहाँ पे हैं? थैंक यू अशफाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने याद किया, अपना भी मखसूस टाइम हमें दिया। वैसे के लिए तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्मी स्कूल से ही। और तो आपको पता है, मैंने तो चाइना में यंगजी यूनिवर्सिटी से एडमिशन की थी दी थी 2015 में। मेरा बड़ा भाई भी वहीं पर मेडिकल करता था, तो फाइनल मैंने वहाँ पे 2015 में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ली और 2019 में ग्रेजुएशन की। और वहीं पर चाइनीज लैंग्वेज, इसको आपको पता है कि चाइना में रहने के लिए लैंग्वेज बड़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट लैंग्वेज मतलब बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो वहाँ पे भी हमने इंटर्नशिप वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से की, यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड भी की, और वहीं पे भी जॉब की ऑफरें थी, इंटर्नशिप वगैरह भी यूनिवर्सिटी ने करवाई पेड। तो बेसिकली वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन फिर भी बंदा वापस अपनी कंट्री के लिए भी सोचता है। तो वापस पाकिस्तान में हम गए, जो भी दोस्त ग्रेजुएशन किए हमने, जितने भी बंदे थे 19 बंदे, तो वहीं पे भी जो भी कि पाकिस्तान में भी वहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। और क्योंकि एक डिग्री इंसान को बहुत रिस्पेक्ट दिलाती है, अगर डिग्री नहीं है तो वो वैल्यू नहीं है। भले आपके पास स्किल्स हो, लेकिन डिग्री नहीं है तो वो स्किल्स आपके नहीं है आपके। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक अबू धाबी में आरओ प्लांट है, वाटर मतलब वो सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें जॉब ऑफर आ गई थी चाइनीज की तरफ से, हमने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बस उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्लस में इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और लैंग्वेज आनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यूए का हुआ, और उसमें भी हमारा ऐसा नहीं कि हमारा खर्चा वगैरह हुआ, सारा कुछ कंपनी ने पेड किया था। फाइनली हम यहाँ पे आके, और यहाँ पे देखा जाए सैलरी के हिसाब से हम कंपेयर करें तो चाइना से बेटर है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी में थे लास्ट ईयर में, तो हमने देखा है चाइना में और काफी दूसरे ममालिक में कि कंपनियां जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आती हैं वो जॉब रिक्रूटमेंट के हवाले से, मतलब कि वो उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो फाइनल ईयर में हो, जो अभी ग्रेजुएट हो। तो क्या आपकी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई कंपनी आई थी लास्ट ईयर में जब आप थे 2019 में? जी बिल्कुल, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो तकरीबन 1 साल पहले 2018 में भी हमारे पास 2 कंपनीज आई थी। एक तो थ्री गॉर्जेस डैम बना डैम की कंपनी थी, और एक पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है, इस्लामाबाद में भी उनके हेड ऑफिस है, कश्मीर में भी वो डैम बना रहे हैं, मतलब एक डैम के बनाने वाली कंपनीज। तो हमें आई कंपनीज बहुत, उधर भी इंटरव्यू वगैरह उन्होंने लिए, और जिन लड़कों को उन्होंने सेलेक्ट किया था उनको उन्होंने उधर ही ट्रेनिंग वगैरह कराई थी। ये ऑफर आती रहती है यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, सही, जबरदस्त। अच्छा, मतलब के तो ऊपर आपके पास दो ऑफर्स हो गई, एक आपको मतलब के चाइना में चाइनीज कंपनी से ऑफर मिली, वो आपको पाकिस्तान वगैरह भेज रहे थे, ठीक है? और दूसरा फिर आपको दुबई से भी ऑफर आई, तो आपने फिर दुबई जाने को तरजीह दी। आप क्या समझते हैं कि सैलरी पैकेज का क्या डिफरेंस था? चाइना का सैलरी पैकेज कम था, दुबई का ज्यादा था, या आपको एक क्रेज था कि भाई मैं कंट्री चेंज करूँ, दुबई जाऊँ? चाइना में जो ऑफर थी सैलरी की तो वो भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भी 8,000 RMB के उस टाइम दे रहे थे 2019 में।
और यहाँ पे भी जो सैलरी कंपेरिजन फर्स्ट टाइम में आया था तो 4,500 दरम मुझे ऑफर आई थी, इतना मतलब सैलरी में डिफरेंस नहीं था। लेकिन ये था कि अभी चाइना में हम जब थे उस वक्त में, तो हमें ये लगता था कि सारी चीजें, सारी कंट्रीज एक जैसे ही होते हैं, मतलब डेवलपमेंट में, ऑफरों में, हर चीज एक जैसी होगी, या शायद दुबई फॉरवर्ड हो, यूएई फॉरवर्ड है। तो मैंने कहा एक न्यू एक्सपीरियंस लाइफ में होना चाहिए, तो वो एक चांस लिया और यहाँ पे आ गए। अच्छा, चाइनीज जबान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? काफी लोग समझते हैं कि चाइनीज जबान सीखना फजूल वक्त, मतलब टाइम अपना जाया करना है, कोई फायदा नहीं है उसका। आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चाइनीज है, ठीक है, मैंने आपको लाइव भी देखा है यहाँ पे बोलते हुए, फोन पे भी बात हुई आपसे, काफी चाइनीज लोगों के साथ बैठे होते हो आप। तो आपने चाइनीज यहाँ पे सीखी, और आप मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या चाइनीज आपको जो है वो हेल्प करती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या बस जो है वो आप इंग्लिश से या मतलब कि दूसरी जबानों से आप गुजारा कर लेते हो? तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे चाइनीज जबान सीखने के हवाले से? वो चाइना में रहे 3-4 साल, तो उनको चाइनीज जबान सीखनी चाहिए कि नहीं? यशो भाई देखो, किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल करो तो वहाँ के क्या एक कल्चर और लैंग्वेज, आप इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और अभी देखा जाए कि इवन एशिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्रीज, मतलब यूरोप भी कंसिडर कर लो या यूएसए भी कंसिडर कर लो, सारी जगह चाइनीज ही हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइनीज के पास हैं अभी। पहले मेजोरिटी होती थी कि एशिया में प्रोजेक्ट्स यूएसए की कंपनीज होती थी, उनके पास होते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हर बड़ा प्रोजेक्ट चाइनीजों के पास है। अगर आपके पास लैंग्वेज है और डिग्री भी है और अपना एजुकेशन भी वेल है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, तो आपको एक अच्छी ऑफर की जॉब मिल सकती है, अच्छी ऑफर की। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक नॉर्मल इंजीनियर की आप सैलरी उठाते हो, वो तो नॉर्मल होती है बेसिकली। अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपको उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक तो मतलब ये कि इंजीनियरिंग के लाइफ से बता दूं या मेडिकल के लाइफ से, आपको इतना साइड पे नहीं जाना पड़ता है, इतना मतलब धूप वगैरह भी नहीं देखनी पड़ती है, क्योंकि उधर तो बहुत गर्मी भी है, और रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप हर इवेंट आप ज्वाइन कर सकते हो चाइनीजों के साथ, भले वो एक्सपो की मीटिंग्स हो या किधर भी जाए, कोई भी मीटिंग हो या कोई न्यू प्रोजेक्ट हायर करते हैं, तो वहां पे हमें मतलब बहुत सीखने को भी मिलता है, एक न्यू चीजें जितनी ये जो चीजें हैं ना, एक कंपनी के ओनर मीटिंग, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो कंपनी के ओनर्स करते हैं, उसमें कोई भी इंजीनियर को नहीं बिठाते हैं। आपने कभी चाइना में भी देखा होगा कि किसी कंपनीज में आप जाते हो तो जो बॉस वाले मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में आप नहीं जा सकते हो। लेकिन ये कि आपको लैंग्वेज है आपके पास, तो वो क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं कि ये बंदा हमारे साथ आएगा, ये कुछ सीखेगा कि आगे हमें चल के फायदा देगा। तो चाइना में जो अभी मौजूद है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर एजुकेशन वो तो ले रहे हैं अच्छे से, लेकिन लैंग्वेज अगर वो नहीं सीखते तो बाद में आके पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री जाएंगे तो उनके पास स्किल्स होंगे बेसिकली। लेकिन मोस्ट ऑफ फॉरेनर कंट्रीज ये समझते हैं कि चाइना से जो पढ़ के आ रहे हैं उनके पास तालीम, मतलब एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, जो एक निगेटिव पॉइंट बना दिया है न्यूज़ ने, मीडिया ने। क्योंकि देखा जाए 90% चीजें हम चाइना की यूज करते हैं, जिधर भी आप चले जाओ, यूएई में, यूएसए में, कहीं पे भी चले जाओ, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगर वो नहीं सीखते तो ये उनके लिए मतलब फ्यूचर में बहुत डिफिकल्ट होगी जॉब्स वगैरह के लिए भी। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, चाइनीज अगर आपको आती है तो यहाँ पे मैनेजर्स या मतलब कंपनियों में या इवन यूनिवर्सिटीज में आपको बड़ी इज्जत देते हैं, मतलब बड़ी अच्छी निगाह से आपको देखते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं बैचलर में यहाँ पे ग्रेजुएट हुआ था, तो मेरे पास एचएस के था, हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी भाई ग्रेजुएशन से पहले आपको एचएस के करना है। उन्होंने हमें इतनी बड़ी मतलब ज्यादा इज्जत दी जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, तो हम हमारे 3-4 बंदों के पास खाली एचएस के था, तो उन्होंने हमें आगे बिठाया था, मतलब चाइनीज जो टीचर्स बैठे थे ना उनके साथ आगे बिठाया, वो ग्रुप फोटो हुआ, बाकी सारे लोग पीछे थे, चाइनीज स्टूडेंट भी पीछे थे और बाकी फॉरनर भी पीछे थे जिनके पास एचएस के नहीं था, तो हमें उन्होंने रेस्पेक्ट दी। और फिर दूसरे दिन जब कन्वोकेशन हुआ, उस दिन भी हमें उन्होंने फ्रंट लाइन पे बिठाया था, मतलब इतनी इज्जत दी उन्होंने एचएस की वजह से, चाइनीज जबान की वजह से, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो उसके अलावा चाइना में आपका जो एक्सपीरियंस है 4 साल में, आपने जो यहाँ पे स्पेंड किए हैं 4 साल, उसमें आप क्या समझते हो चाइना के हवाले से, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई अच्छी बात चाइना के हवाले से आप बताना चाहें, या कोई आपका बुरा एक्सपीरियंस हो चाइना के हवाले से जो बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को? यार चाइना में शोक भाई जो लाइफ गुजारी 4 साल, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजरी है। वो एक लाइफ का ऐसा पार्ट है, कभी भूल नहीं सकते हैं, चाहे हम किधर भी चले जाएं, किसी भी कंट्री। उधर एक्सपीरियंस ये था कि लैंग्वेज भी आती थी तो लोग बड़े मोहब्बत से बात करते थे, और हम पाकिस्तानी होते थे तो हमें पाथिये बुलाते थे कभी ट्रीट में, या कभी खाने की दावत, फैमिली के साथ बैठाना। तो एक अच्छे लोग भी हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी मिला और ईमानदार लोग हैं।
चाइना में हमने तो देखा है कि स्नोफॉल हो या बारिश हो, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। वो बड़ा मतलब अच्छा लगा उधर जाके कि ये भी चीजें एक एडवांस कंट्री इधर है हमारे एशिया में। और वहाँ के माहौल या लोग भी थे, और हर चीज के लिहाज से मैं समझता हूँ चाइना बेस्ट एक मेरी मेमोरी में है। बहुत अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया फिर भी चाइना के विजिट लाजमी करेंगे। मतलब आप फिर चाइना आने का सोच रहे हो? हाँ, मतलब मैंने ये नोट की वैसे बात, एक जो एक दफा चाइना आ जाता है उसको फिर मतलब कि बार बार दिल करता है कि वो चाइना है, मतलब को वो उसका दिल नहीं करता चाइना को, पहले पहली बात तो उसका दिल नहीं करता चाइना को छोड़ने का, अगर वो कहीं छोड़ भी देता है तो उसका दिल करता है कि वापस चाइना है। अभी रिसेंटली हमने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है कोविड में, जो लड़के चले गए थे वो उतना मतलब पछता रहे थे, वो बोल रहे कि हम चाइना आना चाहते हैं, हमें बुलाएं हमें बुलाएं, ये मतलब 2.5 साल तक उन्होंने वेट किया है और अभी फाइनली चाइना ने उनको अलाउ किया है, तो बड़े पछता रहे थे। मतलब चाइना एक बेस्ट प्लेस हम कह सकते हैं रहने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपकी अपनी लाइफ है, आप जिस तरह जीते हो क्या करते हो आपको कोई टेंशन नहीं। तो चाइना में जो आपकी लाइफ है ना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो आपकी लाइफ पाकिस्तान में एक मिनिस्टर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज मिलती है, आपको सिंगल रूम मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, खुले आम आप खाएं पिए घूमे फिरें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना? तो आप शायद इस बात से एग्री करें ना करें, आपका क्या ख्याल है साईं प्यारे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं, आप तो मिनिस्टर की एग्जांपल दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त अच्छे खासे मतलब यूरोप में भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी ग्रेजुएट बंदे हैं उधर यूरोप में भी हैं और यूएसए में भी हैं। तो जब उनसे बात होती रहती है ना कि देखो ना बंदा, हम तो फिर भी एशिया में ही है अभी मौजूद। अगर उनसे मैं पूछता हूँ कि यार कैसा माहौल है वहाँ का ना, तो वो भी यही बोलते हैं कि यार जो लाइफ हमने चाइना में गुजारी है वो हम नहीं मतलब गुजार सकते किसी कंट्री में। ऐसा माहौल नहीं है, ऐसी सहूलतें नहीं है, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंदा देखता है हर चीज़ के लिहाज से, हम किसी भी चीज़ के लिहाज से हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। और चाइना की लाइफ ऐसा समझो एक इमेजिनरी लाइफ है, मतलब बंदा जो सोचता है ना कि यार काश अगर ऐसी लाइफ होनी चाहिए या होगी या नहीं होगी, वो शायद चाइना में है। अच्छा, इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चाइना में आपने देखा होगा और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, जो लोग आ रहे हैं, मैंने काफ़ी जॉब्स के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो ये बात अभी ढकी छुपी नहीं है जो है वो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें नहीं बताते, लेकिन हमारा ऐसा मतलब के मौकफ नहीं है, हम तो बातें क्लियर बताते हैं हमारे व्यूअर्स सही को। चाइना बिल्कुल में आप जो है वो काफ़ी टाइप की जॉब कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब, मतलब कुछ लीगल भी होती हैं कुछ इलीगल भी होती हैं, ठीक है? तो चाइना में मतलब आप इंग्लिश टीचिंग जॉब कर सकते हो, मॉडलिंग जॉब कर सकते हो, होम ट्यूटर की जॉब कर सकते हो, मतलब काफ़ी जॉब्स कर सकते हो। फॉरनर्स को इतनी इज्जत मिलती है, मतलब इतनी सारी जॉब्स मिलती है, मैं आप नाम आपको मतलब बताना भूल गया हूँ, इतनी जॉब्स आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो क्या आपको दुबई में मिलती है या किसी यूरोपियन कंट्री में आपको मिलती है कि नहीं? इवन कि चाइना में जब तक मैं गया था तो पहले तो स्टार्टिंग में तो लैंग्वेज नहीं आती थी। 6 महीने में मतलब थोड़ी ये सीखा कि कैसे बंदा जॉब वगैरह ढूंढता है वगैरह। तो नो डाउट चाइना में जो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती हैं वो फॉरेन में नहीं, मतलब बाकी किसी कंट्री में नहीं मिलती हैं। और जितनी वो जहाँ वहाँ पे जॉब्स हैं, लातदाद जॉब्स हैं, बस बंदे में एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे ढूंढना है और कैसे करनी है जॉब और कैसे, क्योंकि चाइना में स्टूडेंट जॉब करता है तो वो इलीगल होता है, तो हर एक बंदा अपनी सेफ्टी भी रखता है। तो ये चीज़ें नो डाउट चाइना में हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉरेन में आप जहाँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीज़ा है किसी कंपनी का, तो मैं उस कंपनी के अलावा कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं NOC लूंगा तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवाने पड़ेंगे और मैं उनके मुताबिक काम करूंगा जो मेरी रिलेटिव फील्ड के हिसाब से ही है। इसके अलावा अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वो इलीगल एक्टिविटी में होता है, वो अगर कुछ भी हो जाता है तो बंदे का वीजा वगैरह कैंसिल हो जाता है। मतलब एक चाइना जैसी लाइफ वगैरह नहीं यहाँ पे, और चाइना में बंदा कोई भी जॉब कर सकता है। ये तो चाइना में जो जॉब होती है ये भी तो लीगल होती है। इलीगल होती है लेकिन पता है क्या, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी होती है, बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल एक जॉब चली भी जाती है तो आप कर सकते हो, आप लीगल जाते हो चाइना, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको पता है यार बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिहाज से आप वीजा वही लोगे बिजनेस का, तो आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो और छोटी सी रकम से आप स्टार्ट कर सकते हो चाइना में। जी, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको कोई बिजनेस भी करना है तो आपके पास मिनिमम मतलब 1 मिलियन धरम होना ही चाहिए, मतलब 3.3 लाख डॉलर तक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे, चाइना में अगर आपके पास 10,000 जवान है तो आप सोचोगे यार मैं यहाँ से कोई चीजें लेके पाकिस्तान भेज दूँ या बांग्लादेश या इंडिया या एशिया में कहीं से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वो सीन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, चाइना में भी है। लेकिन चाइना में क्या है कि आप ग्रुप बना लो वीचैट पे, आप उधर कूपन वगैरह दे दो या आपके किसी को कोई चीज चाहिए आपको भेज दे आप उधर से ले लो,
ये यहाँ पे चीजें वो नहीं है, कंपेरिजन करते हैं अली पे और वीचे। अब यहाँ पे दुबई में भी मतलब लोग जब हम किसी से मिलते हैं ना कि यार आपके पास कोई ऐसा सिस्टम, उनको ये भी नहीं। अब चाइना में आप वीचैट से पूरी दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, चाहे जो भी चीज आपको चाहिए घर बैठे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर से इतने मतलब फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक भी। बिल्कुल सही बात की आपने। और यहाँ पे आप जो है अगर स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप यहाँ पे मतलब के हम लीगली तो नहीं बोल सकते, लेकिन लीगल आप मतलब काफी जॉब्स वगैरह कर सकते हो, कुछ लीगल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको यूनिवर्सिटी में जॉब ऑफर मिल आती जाएगा। है स्टूडेंट्स के हाँ लिए, मैंने खुद भी की है यूनिवर्सिटी में अपनी में, जी जी तो ये बिल्कुल जॉब है यूनिवर्सिटी में भी मतलब आती रहती है, तो बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना एक्टिव है। बिल्कुल। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे चाइना में पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम बिजनेस किस तरह कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए, किस तरह आप चीजें ले सकते हो, किस तरह, उसके देखो वाले से मैंने एक बांग्लादेशी स्टूडेंट का इंटरव्यू किया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो मतलब कि हमने यहाँ पे सारी चीजों पे वीडियोज बनाई हुई है, अगर आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हो, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप मेरी वीडियोस देख के आप मतलब के पूरी रहनुमाई चाइना के वाले से गाइड आपको मिल जाएगी, आप मतलब हर चीज समझ सकते हो। सच में ये जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं लोग, पहले हम इन चीजों को नहीं कंसीडर करते थे, लेकिन ये बहुत इजी लाइफ बना देते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग से चाइना में, कभी कभी मैं खुद देखता हूँ कि यार हमने भी चाइना में लाइफ गुजारी, हमने ये नहीं किए काम। हम लोग पूछते हैं तो हम उनको मैसेज बता देते हैं यार ऐसे से गाइड करना है, लेकिन एक बंदे आपकी वीडियोस पर ही कोई भी बोलता है यार उसको भेज देते हैं। मतलब आपको वो स्टार्टिंग से फॉलो करके हर चीज की नॉलेज वो दूसरों को भी दे सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये एक अच्छा काम कर रहे हो नो डाउट। अच्छा, तो हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आपको मतलब कि चाइना के वाले से कंप्लीट गाइड देना है, क्योंकि हम जो चीजें वीडियोस में बताते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे कोई बंदा नहीं बताने वाला, आपको ऑनलाइन वो चीजें नहीं मिलने वाली। तो जब आप यहाँ पे आते हो आपको मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको सारा काम खुद करना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियोस वगैरह हर चीज मिल जाती है ऑनलाइन, हर चीज के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, और फ्यूचर में मैं काफी वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ। तो आप वो वीडियोस देख के वो आपका जो भी काम है आप खुद कर सकते हो, मतलब कि आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेवलिंग भी कर सकते हो, टिकट्स बाय, हर चीज मैंने बताई हुई है। ठीक है ना, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। क्योंकि चाइना में डिफिकल्ट टाइम होता है स्टार्टिंग का 1 मंथ, जिसमें आपको मतलब एक चीज का पता होना चाहिए कि वीचैट क्या है, अलीपे क्या है, और आपका वीजा कैसे चेंज होना है, आपको सिम कैसे लेनी है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले मंथ में अगर जिस बंदे ने ये काम कर दिए हैं, आपके वीडियोस वगैरह पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कैसे सिम वगैरह लेते हैं या कैसे बंदा जाता है ये चीजें करता है, बैंक वगैरह में जाता है या वीजा के लिए, तो बहुत इजी कर दिया। इसके बाद तो बंदा 1 महीने के बाद बंदा ऐसा चाइना में ओपनली खुद ही हो जाता है कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हर किसी को बंदा बात पता है। अभी हम थोड़ा रेट्स के कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, हम रेट्स थोड़े कंपेयर कर लेते हैं दुबई में और चाइना में, तो हमारे व्यूवर्स को एक आइडिया हो जाए। अच्छा, चाइना में आप भी रहे हो, यहाँ पे 3 4 साल रहे हो आप, तो एक जो दूध का डब्बा जो आता है जिसे हम चाय को यूज चाय बनाने के लिए यूज करते हैं या दूसरी चीजों के लिए यूज करते हैं, वो 3 या 3.5 तक आता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट उसकी कंपनियां हैं। और पानी की जो बोतल है वो छोटी जो 500 ml जो होती है वो होती है मतलब कि 1.5 की। तो वो दुबई में क्या रेट्स हैं, आप दुबई में धर्म में बताएं और फिर चाइनीज करेंसी में उसको कन्वर्ट करके बताएं, कि हमारे व्यूवर्स को आइडिया मिल जाए कि वो चाइना में अगर आएंगे तो ये रेट्स हैं, और दुबई अगर जाते हैं तो ये रेट्स हैं। ये भाई रेट कंपेयर करने के लिए, क्योंकि फूड का जो मैंने अंदाजा लगाया है कि फूड चाइना में चीप मतलब सही रेट में बंदा ले सकता है। नॉर्मल बंदे के पास 3,000 युआन हो तो इस कंपेयर 3,000 युआन इधर यूएई के 1,400 या 1,300 दरम बनते हैं। और यहाँ पे जो चीजें हम या मिल्क हो गया दूध वगैरह वही है, 2.5 में एक छोटी सी बोतल होती है, इससे भी छोटी 2.5 की होती है। और अपना वेजिटेबल वगैरह ये चीजें एक्सपेंसिव है यहाँ पे एज कम्पेयर चाइना के, बहुत एक्सपेंसिव। नेस्ले वगैरह का पानी की बोतल मतलब जो बाहर से लेते हैं मार्केट से अच्छी क्वालिटी में, तो ये भी 1.5 दरम मतलब बन जाती है। चाइना के कंपेयर करो तो वो भी 3 दरम 3 युआन से ज्यादा बनते हैं। और यहाँ पे मतलब चाइना में जैसे कंपेयर करो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज, कोल्ड ड्रिंक का कंपेयर चाइना में 2 युआन की है और यहाँ पे वो 2 धरम की है, मतलब चाइना के 4 युआन बनते हैं वो। राइस जो मिलते हैं यहाँ पे चाइना में, जो हम छाउफन खाते हैं, चीतान छाउफन, मतलब के राइस, फ्राइड राइस जो नॉर्मल जो प्लेट जो मिलती है, मतलब कहीं बाहर चले गए फ्राइड राइस ले लिए हमने, मतलब 8 युआन से शुरू होते हैं, 12 युआन तक मिलते हैं। ठीक है, 8 युआन से लेके 12 युआन तक, कुछ जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो।
तो वो दुबई में उसकी क्या प्राइस है, और ओवरऑल अगर हम पैसों की बात करें, मतलब कि दुबई में एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है और चाइना में कितना खर्चा आ जाता है, तो इसके हवाले से भी बता दीजिएगा प्लीज। जी यार, चाइना में जो राइस वगैरह बंदा बैठ खाता है, भूख लगती है किसी भी टाइम चला जाता है चाइनीज पे, तो हम जब होते थे तो 5 युआन से स्टार्ट होते थे 12 युआन तक, इतनी लिमिट होती है 5 युआन से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो चाइनीज रेस्टोरेंट है, मतलब पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, इंडियन है, नेपाली रेस्टोरेंट्स हैं, तो हर जगह, मतलब यहाँ पे यूएई में ये माहौल है कि मतलब ऐसा समझो अपने कंट्रीज के ही लोग हैं सारे, लोकल्स बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि वो सारे बिजनेस में होते हैं बाहर दूसरी कंट्रीज में। यहाँ पे आप बिरयानी स्टार्ट होती है 10 दरहम से 15 दरहम, मतलब कि चाइना के 25 से 30 तक, 25 युआन से 30 तक, ये नॉर्मल डिशेस में बता रहा हूँ। उसी बात एक्सपेंसिव में, यहाँ पे सैलरीज जो मतलब लोअर कैटेगरी में जो लेबर्स वगैरह में आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कारपेंटर हो गए, या स्टील फिक्सर हो गए, या कॉन्क्रीट वगैरह वर्कर जो भी हैं, मतलब जो सफाई वगैरह वाले, इनकी सैलरी बेसिकली यहाँ पे बहुत कम होती है, मतलब 900 दरम होती है, और 200 दरम वो ओवर टाइम और फूड अलाउंस में वो देते हैं, मतलब मैक्सिमम उनकी सैलरी मतलब जाती है 1200 दरम तक मैक्सिमम, मतलब किस्मत किसी की चली जाए वरना 900 दरम तक वो आती रहती है। ये चाइना के बनते हैं तकरीबन 2200 युआन या 2300, मतलब इतने बनते हैं। तो वो यहाँ पे खर्चा जो होता है, हम बाहर चले गए, चीजें इतनी एक्सपेंसिव, बंदा एक शर्ट लेने वो भी 30 से 35 दरम की लो कैटेगरी में आती है, या आप चले जाओ शूज वगैरह ले लो, मतलब एक्सपेंसिव जो फूड का है 500 दरम तक आ जाता है इजीली, बंदा एक सही से खाना खाता है या मतलब अपनी हेल्थ के साथ। बाकी वरना तो जो इंजीनियर वगैरह उनकी सैलरी डिपेंड करता है उनका, मतलब 4.5 हज़ार सैलरी है तो 1000 दरम तक खर्चा चला जाता है। चाइना में आप 3000 युआन कमाओ तो वहां पे आप 400-500 युआन में अच्छा कुछ घर में कुकिंग कर सकते हो, और एक्सपेंसिव लाइट भी इतनी नहीं है, वाटर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे, ये चीजें पानी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है दुबई में खास करके। काफी लोग ये सवाल अभी पूछेंगे, इनके जहन में आया होगा, मेरे जहन में भी अभी ये सवाल आ गया है, वो ये कि चाइना से डिग्री करने के बाद हम जॉब्स के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इन चाइना, और मतलब चाइना से बाहर भी, अगर आप दुबई गए हो तो आपने वो किस तरह कंपनी को एक्सेस किया, किस तरह आपने अप्लाई किया, इस हवाले से थोड़ा बता दे चले मुख्तसर। ठीक है, पहली बात तो मुझे चाइना में आपने दी तो लैंग्वेज का बेनिफिट था, डायरेक्ट टू पॉइंट पे आऊँ कि मेरे से ज़्यादा स्कॉलरशिप होल्डर थे, 4 साल ही रहे वो स्कॉलरशिप होल्डर ही रहे, मैंने कोई स्कॉलरशिप होल्डिंग में नहीं था लेकिन वो टॉप 10 में आता था, मैं टॉप 5 में जैसे मैं था। तो पहली बात मुझे जो एडवांटेज मिला है वो लैंग्वेज का मिला है ट्रूली, और जॉब ढूंढने का बाकी है कि लिंक्डइन भी है, चाइनीज सारे यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ जॉब्स लिंक्डइन से, मतलब हमने जॉबें चेंज किए, बहुत जॉबें चेंज किए यूएई में आके, तो लिंक्डइन पे सिर्फ हम यही अपने रिलेटिव चाइनीज जॉब के हम सर्च करते हैं कि कौन सी चाइनीज कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, सिर्फ उनको ईमेल करते हैं, और आपको पता है तो चाइनीज ईमेल वगैरह का तो इतना रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन उधर अपना वीचैट का और क्यूक्यू का अपना दे देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, तो उनपे मैसेज करते हैं तो एट ए टाइम वो रिस्पॉन्स देते हैं, अगर होती है आप भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए। लैंग्वेज बेनिफिट पे ये है चीज़ है, अगर लैंग्वेज नहीं है वो आपको जब मैसेज करेंगे आपको बोलेंगे भाई कॉल पे आ जाओ, कॉल पे 2 मिनट आपसे बात करेंगे, वो उनसे अंदाजा लगा लेंगे कि इस बंदे को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएं या ना बुलाएं। बिल्कुल ऐसा लैंग्वेज आपका बेनिफिट हो गया, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना, भाई मुझे, मैं ग्रेजुएशन की है लेकिन मैंने साइट एक्सपीरियंस नहीं है, वो बोलेगा ठीक है एक्सपीरियंस नहीं तो मैं आपको एक बंदा दूंगा वो आपको 2 महीने के अंदर ट्रेन कर देगा। आप सोचो एक इंजीनियर पाकिस्तान में ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट हो उसको सालों लग जाते हैं, आप सेम चाइनीज कंपनी में आपको लैंग्वेज है तो आपको चाइनीज जिस बंदे ने 10 साल सीखने में किए हैं वो बंदा चाइनीज बोलेगा मैं आपको 2 से 6 महीने के अंदर तैयार कर दूंगा, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला है। जो चीज नहीं आए आप पूछ लो किसी से भी कि यार रिश्वत भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर जाता हूँ मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, ये मुझे अल्फाज नहीं आता, इसको कैसे बोलेंगे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमने आज की इस मीटिंग में, इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अभी हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप चाइना आ रहे हैं तो आपको चाइनीज़ ज़बान लाजमी सीखनी है। ठीक है, और दूसरा फिर जो है वो आपको मतलब कि यहाँ पे स्किल्स सीखनी है, अगर आप डिग्री के लिए आ रहे हो तो आपको डिग्री लाजमी करनी है और स्किल्स आपको लाजमी सीखनी है, वो आपको आगे काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब के पीछे लग गए, आपने स्किल्स नहीं सीखी है, वो पार्ट टाइम जॉब आप करते हो तो आप कर सकते हो फ्री टाइम में, क्योंकि अभी सारा दिन तो आप स्टडी नहीं करते, तो आपको स्किल्स अपनी लाजमी सीखनी है, वो आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब कि जो चाइनीज सीखें वो, उसके अलावा दूसरी कोई सजेशन देना चाहेंगे वो चाइना आए या और कुछ, क्या कहेंगे आप? ये अभी के हिसाब से तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर चाइना, उनके पास इतने बजट नहीं है चाइना जाने की,
तो हर कंट्री में अभी चाइनीज इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज का कोर्स होता है, तो लाजमी उनकी लैंग्वेज सीखें, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं चाइनीज ने या चल रहे हैं जिनके, वो मतलब ऐसा नहीं कि टेम्प्रेरी है कि आज प्रोजेक्ट बन गया और खत्म हो जाएगा, वो 10 से 15 साल चाइनीज ही चलाएंगे। उनको बंदे वो ही चाहिए जो उनके साथ रह सके, जो उनको समझ सके। तो कुछ बंदे जो चाइना आते हैं, हमारे ऐसे भी सीनियर हमें भी मिलते हैं, आपने भी आपको भी मिले होंगे, वो ये गाइड करते होंगे कि बस चाइनीज सीखनी, आप बाहर चले जाओ चाइनीज सीखो, ये एक बाहर जाओ, लेकिन यार चाइनीज सीखनी है तो आपको बुक को फॉलो करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, बुक को। जो चीज बुक से आप सीखोगे उसी से आप जाके बाहर बात करोगे। अगर एक चीज का आपको पता ही नहीं है कि मैं बाहर जाके मैं क्या बात करूंगा, एक चीज आपको पता ही नहीं है, आपका निहाओ का पता नहीं है, आप बाहर जाओगे क्या चीज खरीदोगे, कैसे उसको बोलोगे। तो कोशिश करें जो चाइना में, बुक को फॉलो करें, ग्राम मतलब वोकेबुलरी याद करें और सही से प्रैक्टिस करें, या यूट्यूब हो गया या किसी सीनियर ने वीडियो बनाई है टोन्स वगैरह सीखने की, तो ये चीजें टोन्स वगैरह क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज काम की नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर चाइनीज फ्यूचर है, चाइना अभी भी फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि बंदा नहीं बोले, वो फ्यूचर ही है। तो एशिया में चाइना ऐसा समझो यूएसए है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई यार जाना है यूएसए, जाना है अमीर होना है, अगर आप ये सारी चीजें आप चाइनीजों के साथ कर सकते हो, वो भी सेम उससे अच्छी सैलरी पे, उससे बिल्कुल अच्छी सैलरी पे, मतलब ये चीजें बंदे को खुद ही सोचना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बंदा वो चाइनीज आए आपको जॉब दे दे, भाई ये ले लो 10 लाख की जॉब है मेरे पास, लैंग्वेज सीख के आ जाओ, वो आप खुद अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो। इन कंक्लूजन मतलब कि आपको अगर मौका मिले तो आप वापसी चाइना आओगे, आपकी मास्टर्स की डिग्री भी ऑनलाइन चल रही है तो अभी वीजा वगैरह उन्होंने ओपन कर दिए, इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आप जल्द आ जाओगे, दिसंबर जनवरी तक आप आ जाओगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ पे आपसे फेस टू फेस मुलाकात होगी, काफ़ी टाइम हो गया है, 2019 में आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी भाई की शादी में, उसके बाद आपसे जी मुलाकात नहीं हुई, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जल्द आ जाए चाइना में, जहाँ हम आ जाए वहाँ पे पाकिस्तान, तो आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी हम उस वीडियो का अख्ताम करते हैं, अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे भी रब्ता करके पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाफिज, थैंक यू विश्वा भाई।